खबर देवास से है, जहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प हुई है। कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की होने की खबर आ रही है। बताया जाता है कि बिजली बिल का विरोध करने पहुंचे थे कांग्रेसी देवास में। शुक्रवार दोपहर कांग्रेसी नेता प्रदीप चौधरी कांग्रेसियों के साथ कलेक्टर कार्यालय बिजली बिल का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर का गेट लगा दिया था। गेट खोलने को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने गेट खोल दिया और विद्युत विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदीप चौधरी ने बताया कि देवास शहर के अधिकतर लोगों के स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल बहुत अधिक आ रहे हैं, जिसके विरोध के चलते हम यहां पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन किया है, और बिजली बिल कम नहीं किए जाते तो हम चक्का जाम भी करेंगे। देवास शहर में त्राही माम मचा हुआ है एमपीवी को लेकर। एक छोटे से दुकानदार से लेके एक मजदूर तक को 10,000-15,000 के बिल ये मेरे हाथ में बिल दिए जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति बन गई है देवास में। बार बार प्रयोग किया जा रहा है, कभी टेक्निकल कुछ बता के, कभी स्मार्ट मीटर, तो कभी दूसरा मीटर, कभी कौन सा मीटर, तो खुद इनके मीटरों पर इनको भरोसा नहीं है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आज पूरा देवास त्रस्त है लाइट को लेकर, हम उस विषय में विरोध के स्वरूप हम आज सब लोग आज ज्ञापन देना है, और हमने मांग की है कि जो पुरानी पद्धति थी उस हिसाब से आप बिल दीजिए। मोबाइल चलाना यहाँ देवास में 50% लोग जानते नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप उनके अगर स्मार्ट मोबाइल मीटर लगा दोगे तो जानकारी कैसे ले पाएंगे। इन बहुत सारी बातों को लेकर हम आए थे और हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला आपको अधिकारी? अभी उचित कार्रवाई का उन्होंने बोला है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, ये जो लोग बैठे हैं बहुत ये भूख से परेशान है, कोरोना काट के और कोरोना में जीवित बच के ये लोग यहाँ तक आए, आप ये मांगे तो आपको पूरी करना पड़ेगी। और अभी आप जो आश्वासन दे रहे हैं कि उचित कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में चोर है, ये लड़ाई तो जब तक पूर्ण रूप से काम नहीं होगा जब तक जारी रहेगी। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।